तो यार जो ये मैं अभी ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। ये हमारी वो है, मतलब मुर्गी का केज है या कबूतर का है, मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और खैरियत है तो आकिब भी आ चुका है, अभी हम स्कूल से वापसी आए हैं और आते ही हमने व्लॉग शुरू किया है क्योंकि हमने आज के बाद डेली व्लॉग बनाना है। तो मैं अभी आपको कबूतर भी दिखाता हूँ, बिल्ली भी दिखाता हूँ और हमारी बिल्ली ऊपर भी है। ये देखकर हमारी बिल्ली जो है ना, आज पता नहीं क्यों ऊपर आई हुई है। और मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, मुर्गी। अभी मैंने न्यू मुर्गी भी मंगवाई है, वाइट कलर में न्यू मुर्गी है। और मुर्गा जो था लाल कलर में, वो मुर्गा भी है। और हमारे पास जो मुर्गी ऑलरेडी पहले थी, उनने अंडे, मतलब अंडों में से बच्चे भी निकल लिए और बड़े भी हो गए। मैं व्लॉग नहीं बना रहा था इस वजह से। अभी पिछले व्लॉग में मैंने थोड़ी सी जो है ना वीडियो डाली थी मैंने अपनी मुर्गी और बच्चों की। तो मैं आपको चलो अभी दिखाता हूँ अपना मुर्गा, वाइट मुर्गी, कबूतर और मुर्गी, चलो और बिल्ली भी दिखा देता हूँ। तो यार मैं अभी आया हूँ बाहर, सही है, मुर्गे चेक करने ना। तो मैं अभी स्कूल से वापस आया हूँ तो मैं मुर्गे चेक करता हूँ पहले। इधर ये चेक करें, कचरा बहुत हो गया इधर भी, मतलब। और एक ये प्लाट है सामने ही, ये दूसरा एक ये प्लाट है। तो यहाँ मैं आता रहता हूँ अक्सर, मैं मतलब मुर्गे चेक करता हूँ जब भी स्कूल से वापसी आता हूँ ना, तो मुर्गे चेक करने लाजमी आता हूँ। क्योंकि यार इधर से मुर्गे मुर्गियाँ चोरी हो रहे हैं, इस तरह से मैं आता हूँ मुर्गो देखता हूँ, फिर अंडे, मतलब वो अंडे करता हूँ, फिर उनको अनाज वगैरह देता रहता हूँ। तो इधर भी बैठे रहते हैं, इधर भी नहीं है फिलहाल, तो शायद रूम में हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे आज तो रूम में भी नहीं है, बिल्कुल खाली लगे अपने, शायद ऊपर हो। तो ऊपर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर रहेंगे लाजमी, ऊपर तो रहेंगे ना। ये पिंजरा फिलहाल देखो फारिक पड़ा हुआ है, इसको भी इंशाल्लाह से अभी जल्दी से जल्दी भरेंगे। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर। यहाँ तो मुर्गी मुर्गा है, यहाँ हो सकते हैं, ये चेक करें। ये रहा मुर्गा और ये रही मुर्गी, एक हमने न्यू मुर्गी लाई है ये वाइट कलर में। और ये देखो इनके साथ ही बिल्ली भी बैठी हुई है। ये माशाल्लाह, कोई कोई देखो मुर्गी मुर्गा होता है तो लड़ते हैं ना मुर्गा है। ये देखो मुर्गा लड़ता है अक्सर बिल्ली के साथ, नहीं ये दोनों माशाल्लाह साथ बैठते हैं, इनको बिल्ली का डर भी नहीं होता। और माशाल्लाह से हमने दो कबूतर भी लाए हैं, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, और उनको अनाज भी डाल देते हैं। चलिए अनाज उठा लेते हैं। और ये खिड़की ये चेक करें, माशाल्लाह ये चेक करें, यार ये चेक करें, मैंने इनको सुबह पानी डाला था। ये देखो फिर से इन्होंने गिरा दिया, पता नहीं इनको क्या है, पता नहीं इनको क्या है कि ये यार बार बार जो है ना पानी गिरा देते हैं। ऊपर से मक्खियां भी तंग करती हैं कि मतलब मुंह पे आ जाती हैं। ये वो ये चेक करें, जब भी मैं इसके सामने याद लगाता हूँ। और एक चीज़ और दिखाऊँ कबूतर में, ये चेक करें, अभी ये मेरे पास हाथ में मादी है ना, तो नर चेक करिएगा कैसे आता है, वो देखें नर इसके पीछे पीछे होता है, जहाँ भी जाए ना मादी, ये चेक करना, ये मादी और ये नर है, अभी देखते हैं कैसे आता है। ये चेक करो उतरा, ये जहाँ मैं मादी को छोड़ूंगा नर भी वहीं जाएगा। ये चेक करें, ये आया, चेक किया। अभी मैं इसको अपने पिंजरे में डालता हूँ क्योंकि दोपहर है ना, बहुत धूप है यार, इस वजह से मैं अभी इसको इसमें पिंजरे में डालता हूँ। ये चेक करें, चेक करें माशाल्लाह से यार, ये बहुत प्यारे कबूतर हैं। ये मस्ती कैसे कर रहा है, अनाज खा रहे हैं, ठीक है, पता नहीं नज़र आता हो या नहीं, ये चेक करें। अभी कबूतर फिलहाल अनाज खा रहे हैं तो इनको हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ गया ये रहा, तो थोड़ा सा अनाज उठा के जो है ना इधर हम चूज़ों को डाल देते हैं। तो माशाल्लाह से आपको मैं अपने चूज़े भी दिखा देता हूँ, ये चेक करें यार, ये चेक करें, ये इनकी खुड्डी है और ये माशाल्लाह से दो चूज़े हैं, और ये एक मुर्गी है, जो मुर्गी तो थी हमारे पास ऑलरेडी, मगर अभी चूज़े हैं ये। तो इनको फ़िलहाल मैंने क्योंकि कम दिया है इस वजह से, क्योंकि शाम को जो है ना इनको मैं बाहर निकालता हूँ, यानी मैं पतंग उड़ाता हूँ ना, जब आगे दरवाज़ा बंद कर लो, जब मैं यार पतंग उड़ाता हूँ ना तो मैं मुर्गी इधर छोड़ देता हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ मिट्टी में देख रहे हो वो खड्डे लगे पड़े हैं, ये चेक करो पूरी इसने फैलाई है और ये खड्डे लगे पड़ने, वरना मैंने छत साफ़ की हुई है, छत आपको साफ नज़र आती होगी। इन कबूतरों को मैं उसे ऊपर बिठाता हूँ और मैं इनको जो है ना मुर्गियों को खोल देता हूँ, ये मिट्टी में खेलते हैं इधर उधर, मतलब नीचे नहीं जाने देता, सिर्फ ऊपर। और शाम के टाइम आपको पता है चील वगैरह कवे वगैरह भी नहीं उड़ते, और पतंग की वो है सीज़न है, तो हम दोनों भाई ऊपर होते हैं और ऊपर होके जो है हम इनका भी ध्यान रखते हैं और पतंग भी उड़ाते हैं।
देखें शाम हो गई है, ये मुर्गी देखो अभी माशाल्लाह से इधर खा पी रही है। देखो ये देख रहे हो पौधे में मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो खा रही है। तो यार अभी शाम हो चुकी है, ठीक है। ये कबूतर मैंने तो ये आपको सुबह भी दिखा दिए थे, अभी हम पतंगबाजी उड़ाएंगे तो पतंगबाजी दिखाऊंगा आपको थोड़ी बहुत। ये चेक करें माशाल्लाह से निकल रहे हैं, ठीक है। और कबूतर को जो है ना मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मुर्गी ये कबूतरी जहाँ रखता हूँ वहीं जाता है कबूतर। तो ये चेक करना अभी कबूतर खुद ही उड़ के जो है ना इधर आएगा। हट जाओ यार हट जाओ, देखना अभी खुद ही ऊपर उड़ के जो है ना अपनी जगह पे। ये देखो माशाल्लाह मतलब ये यहीं से यहाँ से कहीं भी नहीं जाते। और पतंग फिलहाल किसी का नहीं उड़ा, वो एक वो उड़ा है एक ये उड़ा है। अगर देखो अभी जो है ना यहाँ से जो कबूतर जो मतलब पतंग उड़ेगा हम उससे लड़ाएंगे। यहाँ जाएंगे ना तो ये सरिये जो ऊपर खड़े हुए हैं ये वाले और ये वाले तो इसमें से फंस जाएगा। इस तरह से अभी हम उड़ाएंगे और दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह से। तो मुर्गी फिलहाल ये देखो मुर्गा खड़ा हुआ है ना, वो देखें मुर्गा खड़ा हुआ है, इस वजह से मुर्गी बाहर नहीं आ रही। तो थोड़ी देर में आ जाएगी बाहर, तब तक ये हम दरी बंद कर लेते हैं, देखते हैं अभी कैसे ये बाहर आती है नहीं आती। मुझे नहीं लग रहा कि ये आज जो है ना धूप ज़्यादा है क्योंकि हम जल्दी जल्दी आए, मैंने व्लॉग की वजह से जो है। और मेरे कज़न आए हुए हैं, ये देखो यार अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल है, ठीक हो। हमने जो है ना पतंग उड़ा ली है, वो अमान आया हुआ है वो चेक करें। और जो है आके उड़ा रहा है पतंग, पतंग ये रही ठीक है, नज़र आती होगी ये पतंग रही ठीक है। और वो 10 वाली से पेचा करने वाले से मगर नहीं लगा, तो देखते हैं अभी कोई उड़ी नहीं रही है, चेक करो बिल्कुल साफ लगा पड़ा है ना इस वजह से। 10 वाली से इधर नीचे इस वजह से नहीं जा रहे क्योंकि जो है ना नहीं करो अन उड़ जाएगा। ये देखो यार अन कज़न आया हुआ है, उसने इसको उड़ा दिया, आज उसकी मादा वो बैठी हुई है। अब चलो देखते हैं ये आएगा वापसी इधर नीचे, बाकी यहाँ उड़ाए आके भी यहाँ नहीं जाओ, यहाँ नहीं जाना इससे। ये देखो ये उड़ा है ना, तो यार मैं जो है ना डेली उड़ाता हूँ, एक इजगर वाला और एक अमान वाले, ये दोनों सारा दिन मुझे तंग करते हैं। जब भी उड़ाता हूँ तल्ला उड़ाने दे तल्ला उड़ाने दे तल्ला उड़ाने दे, सिर्फ इनको यही काम होता है। मैं कहता हूँ यार खुद का उड़ाओ एक पतंग, ना लड़ाओ ना क्या उड़ाओ, फिर भी नहीं उड़ाने दे उड़ाने दे, बस इसको यही होता है। अभी भी देखो वो बोल रहा है तला उड़ाने दे। ये चेक करें पेचा हो गया 10 वाली से ठीक है, ये चेक करें वो 10 नहीं करो नहीं करो पेचा है, ये चेक करें पेचा हो गया 10 वाली से ठीक है। अभी ढीला ढील खेल रहे हैं वो गई आई बो, ये चेक करें यार गई 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 वो चेक करें 10 वाली वो जा रही है। नहीं यार निपटाना नहीं क्योंकि वजन ही हमारा पतंग, वो चेक करें हमारा लाठियाँ खा रहा है वो नीचे जा रही है। तो एक को एक तो काट ली, चलो अभी देखते हैं और कोई भी काटते हैं। पतंग के कने टूट गए ठीक है, कने टूट गए, देखते हैं अभी कहां तक आती है या नहीं आती। देखिए अभी अभी भाई पतंग उतारने की कोशिश है, पतंग आ चुकी है। ये चेक करें यार ये कने टूट गए थे ठीक है, ये चेक करें पूरे खराब गए। नहीं बनाओ नहीं बनाओ फिलहाल नहीं बनाओ फिलहाल नहीं करो हरकत नहीं करो, ये देखें यहाँ से भी फट गया है ठीक है, यहाँ से भी कन्ने कहाँ था हमारा पतंग बहुत दूर था जहाँ लड़ाया था। ये चेक करें मांझा ही मांझा हो गया छत पे। पहले ऐसे करते हैं कि इस मांझे को सीधा करते हैं, मांझा लपेटते हैं, उसके बाद पतंग बना के फिर उड़ाएंगे वरना मांझा पूरा खराब हो जाएगा। करें मैंने सारी जो है ना सीधी करके उतारी और ये चेक करें यहाँ खराब हो गई है, तो मैं इसको भी सही करता हूँ उसके बाद पतंग को सही करता हूँ। यहाँ देखें पतंग में लगा पड़ा, मैंने इसको मना भी किया कि नहीं करो, फिर भी देखते हैं अभी सही करते हैं उसके बाद उड़ाते हैं फिर।